संदेश, ये जो एप्लीकेशन लॉन्च हुई है उसके बारे में मैं आपको आज सारी की सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि व्हाट्सएप ने कुछ समय पहले अपनी कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज जो थी उनको सभी यूजर को उसके टर्म्स एंड कंडीशन भेजे थे और रिलेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए सबको मैसेज दिया गया था। तो बहुत सारे यूजर्स हैं वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके टेलीग्राम और हम देख सकते हैं सिग्नल पे बहुत सारे यूजर्स ट्रांसफर हो चुके थे। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज संदेश नाम की जो एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज के रिलेटेड ही संदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। वीडियो में मैं आपको संदेश की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी जो भी आईफोन यूजर्स हैं, एप्पल के जो भी डिवाइसेस, जो भी iOS यूजर्स हैं, वो सभी संदेश नाम की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उनके ऐप स्टोर पे भी ये एप्लीकेशन संदेश करके इसमें हम सर्च करते हैं तो इसमें संदेश करके इसमें एप्लीकेशन को हम देख सकते हैं। लेकिन जो भी एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पे नहीं पर से नहीं डाउनलोड कर सकेंगे क्योंकि वो भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन APK फाइल हम इसकी देख सकते हैं कि APK फाइल द्वारा हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा, आपसे इस एप्लीकेशन की APK फाइल मिल जाएगी तो आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं और इस न्यू एप्लीकेशन का कुछ फीचर्स का आनंद ले सकते हैं। तो इस संदेश एप्लीकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 अगस्त 2020 में ही ट्रायल बेस पे और इस पे वर्क करना चालू कर दिया था और ये वर्क है अभी थोड़े ही समय पहले कंप्लीट हुआ है। तो इस एप्लीकेशन को जैसे ही हम APK से डाउनलोड कर लेते हैं APK फाइल से, तो आप इधर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको इधर लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी जो भी गवर्नमेंट यूजर्स होते हैं उनको ईमेल आईडी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया होता है तो वो डायरेक्ट इसमें एप्लीकेशन को ईमेल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। और हम पब्लिक हैं, हमारे लिए ऐसे कोई ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है, अपना फोन नंबर इसमें डाल के अभी इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। को यूज करते थे अपने कंप्यूटर के साथ, अपने लैपटॉप या पीसी के साथ अपने व्हाट्सएप वेब को कनेक्ट करके हम अपना डेटा है या कुछ भी चैटिंग है वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन इसमें संदेश में अभी ट्रायल में जो अभी ट्रायल बेस चल रहा है इसीलिए गवर्नमेंट यूजर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो सारे व्हाट्सएप वेब संदेश वेब को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम दूसरे फीचर की ओर बढ़ते हैं तो इसमें ग्रुप चैट हम कर सकते हैं, 1-to-1 चैट इसमें हम कर सकते हैं। इसमें वहाँ पे हमें वीडियो कॉल भी वीडियो शेयर करना हो, कुछ भी ऑडियो फाइल शेयर करनी हो, PDF फाइल है या वर्ड फाइल है, ऐसे कुछ भी फाइल हमें शेयर करनी हो तो वो हम संदेश पे बड़ी आसानी से हम इसमें शेयर कर पाएंगे। मैं कुछ भी किसी भी कांटेक्ट को शेयर करना हो तो वो इसमें कांटेक्ट में भी शेयर कर पाएंगे। आप इधर अभी वीडियो इसमें जो हम व्हाट्सएप में जैसे कोई भी मैसेज को सेंड करते थे तो इमीडिएटली दूसरे फोन पर तक पहुंच जाता था, लेकिन इसमें संदेश में थोड़ा टाइम लगता है, ये ट्रायल बेसिस है इसलिए इसमें थोड़ा इसका स्पीड है वो थोड़ा कम है। लेकिन आगे हम देखेंगे फ्यूचर में तो इसका स्पीड व्हाट्सएप से भी ज़्यादा, हम आशा करते हैं स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। इसमें हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं और ये वीडियो कॉल और वॉइस कॉल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होने वाले हैं तो सिक्योरिटी का भी कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। तो दोस्तों जैसे हम व्हाट्सएप में इमोजी यूज करते थे वैसे ही हम इसमें संदेश इस एप्लीकेशन में हम जीमोजी यूज कर सकते हैं। वैसे ये गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जीमोजीज हैं, मतलब गवर्नमेंट जो ठीक ठाक ये जीमोजी नए दिए गए वो ठीक ठाक है, मतलब आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऐसे कुछ जीमोजीज हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और चैट में अपने चैट में हम बातचीत कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक खास फीचर मैं बता दूं, इसमें 3 टैग का ऑप्शन दिया गया है, ये एक नया फीचर है। इसमें हम 3 टैग का यूज कर सकते हैं, प्रायोरिटी है, कंडीशनल है और ऑटो डिलीट टैग है। ऑटो डिलीट टैग में हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने किसी को मैसेज सेंड किया
तो वो जैसे ही वो पर्सन अपना मैसेज रीड कर लेगा तो वो मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अभी आप स्क्रीन पे उसका एग्जांपल देख सकते हैं। ऐसे तो कुछ संदेश नाम की जो एप्लीकेशन है उसके फीचर्स। अगर आपको ये पसंद आई हो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कमाल की एप्लीकेशन की जानकारी, खासकर जो इंडियन एप्लीकेशन है, उनकी जानकारी अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इधर नीचे देख रहे हैं कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है, तो वहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।